दरियाए हाकड़ा, जिसे आर्याओं ने सरस्वती का नाम दिया, माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में नाबूद हो गया। इसकी जगह सहराए चोलिस्तान वजूद में आया। अहदे कदीम में से स्पत्सन्धु यानी सात दरियाओं की धरती कहा है। मोहेंजोदाड़ो और हड़प्पा के वस्त्र में वाके ये इलाका वादी सिंध की अजीम और कदीम तहजीब का मरकजी इलाका शुमार हुआ। आज भी यहां वादी सिंध के तारीखी आसार कदीम, लसानी और तहजीबी तशखस के शवाहिद मौजूद हैं। इस रेगजाल का अपना एक मखसूस कल्चर, दर्ज जिंदगी और सकाफती पहचान है। मिस्र से आए अब्बासियों को खिलाफत से मोहब्बत करने वालों ने सर का ताज बनाया। 1727 में अब्बासी हुक्मरानों ने रियासत बहावलपुर की दाग बेल डाली। 1904 के रेवेन्यू सर्वे के मुताबिक इस रियासत का कुल रकबा 15,918 मुरब्बा मील था। 1746 में रियासत बहावलपुर के दारुल खिलाफा के तौर पर शहर बहावलपुर की बुनियाद रखी। काबुल से वस्ती हिंदुस्तान की तजारती गुजरगाह पर वाकया होने की वजह से इस शहर ने तेजी से तरक्की की। शहर को बैरूनी हमलावरों की यलगार से बचाने के लिए फसील तामीर की गई। आमदोरफ्त के लिए 7 दरवाजे बनाए गए। सात में से 5 के नाम शहर से निकलने वाले मुख्तलिफ इलाकों की जानिब गामजन रास्तों की निस्बत से तजवीज हुए। नवाबीन ने अपनी आमद के साथ ही रिहायशी मकानात और मोहल्लात तामीर करवाए। हर तामीर एक खास मकसद के तहत की गई। रियासत की तालीमी तारीख भी ताबनाक और काबिले कदर किरदार की हामिल है। ये तालीमी इदारे ना सिर्फ इंसान की इमरानी जरूरियात को मद्देनजर रखकर तश्कील दिए गए बल्कि ये तहजीब और तमद्दन की अलामत भी है।
शहर में मस्जिदों की बहुतात अहले शहर के दीनी रुझान की गमाज है। मसाजिद से मुलहका मदरसे दीनी तालीम और तरबियत का मरकज है। अमीरान रियासत ने मुस्लिम सकाफत और फन तामीर को तख़सीस के साथ फरोग दिया। ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए तिब्बी और तफरीही सहूलियात मुहैया की गई। सतलुज वैली प्रोजेक्ट के तहत दरियाए सतलुज के तीन मकामात पर बंद बांधकर नहरों के जरिए दरियाए हाकड़ा के सदियों पुराने और बंजरों वीरान रेतीले टीलों को खेतों में तब्दील किया गया। रियासत की मसनद पर कुल 12 हुक्मरान जलवा फरोज हुए। रियासत की अपनी करेंसी, पोस्टल निज़ाम, जदीद रियासती अफवाज, तरबियत याफ्ता पुलिस, हवाई जहाज और बैरी बेड़ा रियासत की इमारत का मजर था। 3 अक्टूबर 1947 को नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी ने रियासत को पाकिस्तान में जम किया। सदियों के सफर के बाद वादी सिंध की कदीम तहजीब बिल आखिर पाकिस्तान के नाम से उजागर हुई।